रहे हैं हिंद 24 टीवी। बड़ी खबर जौनपुर जिले से है, जहां मंगलवार तड़के लगभग 3 बजे के आसपास बनारस से अंतिम संस्कार कर लौट रहे पिकअप और ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जलालपुर थाना क्षेत्र के लोग परिवार की 110 वर्षीय वृद्धा की अंतिम संस्कार कर बनारस मणिकर्णिका घाट से वापस अपने घर लौट रहे थे कि तड़के 3 बजे के आसपास जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव के पास सामने आ रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 17 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई, बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत ज्यादा क्रिटिकल थी, उसे ट्रामा सेंटर बनारस इलाज के लिए भेजा गया। अस्पताल में पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने घायलों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सर, ये हादसा हुआ है लगभग 2:30 से 3 के बीच में। एक ट्रक जा रही थी इधर से और हम लोग वहाँ से मणिकर्णिका घाट से अपनी दादी जी को जला करके आ रहे थे। जब वहाँ से जला करके आ रहे थे तो मतलब खाना खा करके कुछ देर पहुँचे तो एक टक्कर मारी और एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी जो है पलट पलट गया है। हम लोग पिकअप में 17 लोग थे, जिसमें से 6 लोगों का डेथ हो गया है। सब मेरे ही फादर उधर थे और उसके बाद जो है बाकी लोगों को इलाज चल रहा है। यहाँ पर सदर अस्पताल में एडमिट हैं, कुछ BHU में एडमिट हैं और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान था। हम जलालपुर के सर, जलालपुर पोस्ट बस आ रहा है थाना सराय खाजा। मेरा मनोज कुमार यादव, सना राम प्रसाद यादव। जनपद जौनपुर में बनारस से अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, गांव जलालपुर गांव के लोग थे, पिकअप गाड़ी से लौट रहे थे और रात में लगभग 3 बजे के आसपास ट्रक से भिड़ंत हो गई। मौके पर ही 5 लोगों की डेथ हो गई और 1 व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। बाकी लोग जो हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, बाकी सभी तो ठीक हैं। 1 व्यक्ति थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको हम लोगों ने बनारस रेफर कर दिया है। परिवारजनों से मुलाकात हो गई है, बहुत ही दुखद ये क्षण है, 6 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाना। इसमें जो भी उचित कार्रवाई है, मदद है, वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो ट्रक है और गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था, उस सबको कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर अभी नहीं मिल पाया है, उसकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। कैसे हुई घटना, इसका पूरा हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। ये बनारस गए थे लोग अंतिम संस्कार करने, एक इनके परिवार की बुजुर्ग थी, 110 साल की महिला थी बताया गया, उनका अंतिम संस्कार करने मणिकर्णिका घाट गए थे और वहाँ से वो लोग रात में लौट रहे थे। बताया गया है कि 16 से 17 लोग थे गाड़ी में और 18 भी लोग थे और उसमें से 6 लोगों की डेथ हो गई है, 1 क्रिटिकल है, बाकी लोग ठीक। जो भी उचित कार्रवाई है सब हम लोग, इसीलिए मैं भी मौके पर आया हूँ, मैं परिवार के लोगों से भी मिला हूँ, हर संभव मदद जिला प्रशासन करेगा और उच्च अधिकारियों को भी हमने अवगत करा दिया है, तो जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे।